अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। और मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला हर जायज़ ख्वाहिशात आपकी पूरी करे। और जिस किसी को कोई भी मुश्किल या परेशानी है या कोई भी दुख या तकलीफ़ है तो अल्लाह पाक उस पर अपना ख़ास रहम करम नाजिल करें, आमीन सुम आमीन। तो मैं आज बना रही थी मटर पुलाव, तो मैंने सोचा चलें, वैसे तो इसकी रेसिपी मैं पहले भी दे चुकी हूँ लेकिन मैंने सोचा चले बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा तो वो दोबारा से देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, मीडियम से भी कम छोटी प्याज ली है। और ऑयल को मैंने पहले से गर्म कर लिया था और इसके अंदर में प्याज डाल के हम इसको इतना फ्राई करेंगे ये गोल्डन हो जाए जब तक। और जब गोल्डन हो जाएगी तो उसमें से हम हाफ निकाल लेंगे और हाफ हम मसाले में मिक्स कर देंगे। और ये बहुत मज़े का और बहुत यमी पुलाव बना था, बहुत ज़बरदस्त बना था। अगर आप लोग इस तरह ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो प्याज हमारी फ्राई हो रही है। यहाँ पर देखिए हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है, तो मैंने हाफ निकाल ली इसमें से। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी अपने मटर जो कि तकरीबन एक पाव थे, और इनको डाल के हम थोड़ी देर अच्छा सा फ्राई करेंगे। और ये इतने उछल उछल के बाहर आ रहे थे तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर दिया था और ढक्कन ढक के 2-3 मिनट के लिए इसको बंद कर दिया, कवर कर दिया था। तो उससे ही हमारे सॉफ्ट भी हो गए मटर और फ्राई भी हो गए। अब इसमें हम बाकी मसाले डालेंगे, जिसमें लहसुन का पेस्ट है 1.5 टेबलस्पून, 3-4 टमाटर थे, साबुत गरम मसाला जिसमें तमाम चीज़ें होती हैं, सफ़ेद ज़ीरा है, लौंगे हैं, दालचीनी, काली मिर्च हैं, और एक बदियान का फूल था। ये सब मैंने इसमें शामिल कर दिया। और मैंने 7-8 हरी मिर्चें पीस ली थी, मतलब क्रश कर ली थी ब्लेंडर में डाल के, ना बिल्कुल बारीक नहीं करी थी, तो वो इसमें शामिल कर दी हमने। और इसको अब इतना पकाएंगे हम कि हमारा मसाला अच्छा सा भुन जाए और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। मसाला हमारा भून गया रहे यहाँ पर, इस पॉइंट पर मैंने 1/2 कप इसमें दही शामिल किया है और इसको भी डाल के अच्छा सा भून लेंगे हम। मैंने यहाँ पर चावल पहले से भिगो दिए थे और ये 1/2 किलो चावल हैं और ये बासमती राइस हैं। तो जितने टाइम के लिए मसाला हमारा भुन रहा था इतने टाइम के लिए सिर्फ उसको मैंने धो के भिगो दिए थे। अब मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए अपने, चख के नमक शामिल करूंगी मैं, और हम इसमें इतना पानी डालेंगे, ये पानी मतलब जितना हमारे चावल को ज़रूरत है। तो और फिर इसको हम कवर कर देंगे पकने के लिए। और वही 20 मिनट का हम दम लगाएंगे, जब हमारे चावल पक जाएंगे अच्छे से तो उसके अंदर हम 20 मिनट का दम लगा देंगे, 5 मिनट हाई फ्लेम पर और 15 मिनट लो फ्लेम पर। तो मटर पुलाव मुझे बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो बच्चों को ज़्यादा शौक नहीं खाने का, लेकिन ये फिर भी ये इतने मज़े का बना था, उन्होंने भी कल शौक से खाया था ये। बेहतरीन से हमारा मटर पुलाव बनके तैयार हो गया है, ये दम भी लग चुका है। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए चावल कितने अच्छे हैं, कितने खिले खिले हैं और कितने बेहतरीन बने हैं चावल हमारे। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें साथ साथ, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले से मिल जाए देखने को। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।